सद्गुरु कबीर का एक प्रसिद्ध पद है, घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, घट घट में वही साई बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। धन जोवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। शून्य महल में दीना बारी ले, आशा से मत डोल रे। जोग जुगत से रंग महल में, पिय पाए अनमोल रे। कहें कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। घूंघट का पट खोल, नारियां साड़ी के पल्लू से सिर को चेहरे को ढक लेती है, उसको घूंघट कहा जाता है। कोई नारी हो अपने चेहरे को घूंघट से ढक करके रखी हो तो भरपूर रूप से स्पष्ट रूप से अपने पति को देख कैसे पाएगी, ये तो उदाहरण साहब देते हैं। हम आत्मसाक्षात्कार करना चाहते हैं, ईश्वर परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, मोक्ष तत्व परमानंद का अनुभव करना चाहते हैं, और इन सब के लिए बाहर भटकते रहते हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं भटकने की आवश्यकता नहीं है, जिसे तुम खोज रहे हो, जिसे पाकर के तृप्त और स्थिर होना चाहते हो, वह तुमसे अलग और तुमसे दूर नहीं है। जो हमारा परम प्राप्तव्य है, परम निधान, हमारा गंतव्य, हमारी अंतिम मंजिल, वह अलग कहीं नहीं है, ना अलग है ना हमसे दूर है, नित्य प्राप्त है। मुलाकात क्यों नहीं हो रही है, देख क्यों नहीं पा रहे हैं? अविद्या का पर्दा, घूंघट का पट, अविद्या का पर्दा, अहंकार का पर्दा आड़े आ रहा है। जिह खोजत कल्पो गया, घट ही माहि सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमान ते, ताते परि गई दूर। जिस परम तत्व को, मोक्ष को, परमात्मा को, ईश्वर को, ब्रह्म को, खुदा गाड को खोजते खोजते अनादिकाल का समय व्यतीत हो गया। साहब कहते हैं वह मूल तत्व घट के अंदर ही हृदय में विराजमान है, दिखाई क्यों नहीं पड़ता?
बाढ़ी गर्भ गुमान ते, गर्व बढ़ गया और भ्रम बढ़ गया। इसलिए वह दूर हो गया, दूर नहीं हो गया है, दूर जैसा लगता है। जान लें, समझ लें, अहंकार संदेह मोह माया का त्याग कर दे तो नित्य प्राप्त है नजदीक। अहंकार संदेह मोह माया का त्याग न करे तो निकट होते हुए भी अत्यंत दूर। जाने बिना दूर, जाने को नजदीक, देखो निरंतर में अप्रोक्ष तस्दीक, श्री निर्मल साहब जी कहते हैं। जान लो और जान करके अपने से अलग जो कुछ है उसके अहंकार भ्रम और मोह का त्याग कर दो, निकट है, प्राप्त ही है। पाना नहीं है, नित्य प्राप्त है। जो आज तक हम पा चुके हैं, जो हम बटोर रुके हैं, जिसे अपनी संपत्ति मानते हैं, लोभ मोह माया आदि अहंकार, इनको छोड़ दो बस। शेष जो छोड़ने वाला रह जाएगा वो आपका परमात्मा होगा। होगा क्या है तो घूंघट का पट, अविद्या का पर्दा, मोह का पर्दा, आसक्ति का पर्दा, उसको हटा दो। ये बाहर जो दिखाई पड़ रहा है आकर्षक विषय चीजें जिनमें हमारा मन लुभा रहा है और जिनमें लुभा करके हम अपनी असलियत से दूर हो रहे हैं, एक काम नहीं आने वाला है। ईशावास्योपनिषद में ऋषि ने एक बहुत बढ़िया मंत्र कहा है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पूषन अपावरीन सत्धर्माय दृष्टये। हिरण्यमयेन पात्रेण, सोने के समान चमकदार बर्तन से, सोना नहीं है, सोने के समान, सोना होता, माल टाल होता, सार होता तो भी लगता कुछ, सोने के समान है, बस पॉलिश है। वो क्या है? ये दुनिया की चमक दमक, राग रंग, मोह माया, यही सोने के समान चमकदार बर्तन है। हिरण्यमयेन पात्रेण, सोने के समान चमकदार बर्तन से सत्यस्य अपिहितं मुखं, सत्य का मुख ढका हुआ है, मतलब दुनिया की चमक दमक राग रंग में सत्य ढका हुआ है, उसमें छिप गया है। तत्त्वं पूषन अपावरीन, तत्त्वं उसे तुम, पूषन पूषण चाहने वाले आत्मा साधक, पूषण वेदों में सूर्य को भी कहा गया है। पूषण भान वाले लोग ईश्वर को कहते हैं, लेकिन आप पूषण है कल्याणार्थी साधक, ऐ साधक, ये सोने के समान जो चमकदार बर्तन है इसको तू हटा दे, मतलब दुनिया का राग रंग छोड़ दे, दुनिया चमक दमक में कहीं लुभा मत,
क्यों? सत धर्माय दृष्टये, सत धर्म का दर्शन करने के लिए। सत्य को पाना है, सत्य धर्म को पाना है, सत्य तत्व में स्थित होना है। और वो सत्य तत्व क्या है? आपका होना, आपका अस्तित्व, आप स्वयं। आपसे बड़ा सत्य और क्या हो सकता है? सब पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन अपने पर संदेह नहीं किया जा सकता। ईश्वर है या नहीं है यह प्रश्न पूछो। कुछ लोग कहेंगे है, कुछ लोग कहेंगे नहीं है, और कुछ लोग कहेंगे मालूम नहीं है। इस दुनिया से अलग आकाश पाताल में कहीं स्वर्ग नरक है या नहीं है, इसमें भी कुछ लोग कहेंगे कि है, कुछ लोग कहेंगे नहीं है, कुछ भैया हमें मालूम नहीं है। हम आज जो कुछ कर्म करते हैं उसका फल इसी जीवन में मिलेगा या अगले जीवन में मिलेगा, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, इस पर भी कुछ लोग कहेंगे होता है, कुछ लोग कहेंगे नहीं होता, कुछ लोग कहेंगे नहीं मालूम। सब प्रश्न के दो तीन उत्तर मिलेंगे, लेकिन किसी से पूछो कि तुम हो या नहीं हो। कोई कहेगा कि मैं नहीं हूं? अपने होने का, अपनी उपस्थिति का भान हर आदमी को हर समय बना रहता है, तो आपसे बड़ा सत्य और कौन होगा? सारे सत्यों का सत्य आपकी चेतना, आपका होना, आपकी उपस्थिति, वही आपका पीव है, वही आपका परमात्मा है, वही आपका भगवान है, वह आपका ईश्वर है, आपका ब्रह्म, आपका खुदा, आपका गॉड, कुछ भी कह लो। तो जब तक दुनिया की चमक दमक में मन लुभाता रहेगा, आकर्षित रहेगा, तब तक अपने आप से हम दूर के दूर बने रह जाएंगे। ये अविद्या का मोह माया चमक दमक का जो पर्दा है, इसे विवेक संयम साधना ज्ञान द्वारा हटाना होगा। दो में से एक ही मिलेगा ना, आइदर ऑफ द टू। दुनिया का राग रंग भी चाहो और परमानंद भी चाहो, परम शांति चाहो, कैसे हो सकता है? दुनिया का चमक दमक चाहो, राग रंग चाहो, मोह माया चाहो, दुनिया का आनंद चाहो, तो परमात्मा को छोड़ो, सत्य तत्व को छोड़ो, सत्य धर्म को छोड़ो। सत्य धर्म आत्मा परमात्मा को चाहते हो, दुनिया के राग रंग छोड़ो। छोड़ने का मतलब उनकी आसक्ति छोड़ो, उनका मोह छोड़ो, उनके प्रति जो लोभ है, आकर्षण है, उसका छोड़ो। तो घूंघट कापट खोल रहे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट अविद्या, मोह माया, अज्ञान का पर्दा, उसे आपको फाड़ना पड़ेगा। संत और गुरुजन केवल रास्ता बताएंगे, उपाय बताएंगे, वे आपके मन के, हमारे मन के मोह माया के पर्दा को स्वयं नहीं फाड़ पाएंगे। उन्होंने अपना फाड़ लिया है, हमें केवल रास्ता बता सकते हैं, हमें ही करना होगा, दूसरा कोई ना कर नहीं पाएगा। इसलिए दूसरे के भरोसे मत बैठो, स्वयं जागो, स्वयं विवेक का प्रयोग करो। जितना जागृत होकर के काम करेंगे, साधारण होकर काम करेंगे, विवेक जो कुछ विवेक पूर्वक करेंगे, धीरे धीरे ये मोह का पर्दा, अविद्या का पर्दा फटता जाएगा। उतना जितना पर्दा फटता जाएगा, उतने हम सत्य के निकट होते जाएंगे, सत्य तत्व तक पहुंचते जाएंगे, उसका अनुभव करते चले जाएंगे।
घट घट में वही साई बसत है। कटुक बचन मत बोल रे। साहब कहते हैं जिस साई को, जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो, वो तो घट घट में बसा हुआ है। जैसे तुम्हारे घट में है, वैसे सबके घट में है। सब तुम्हारे जैसे हैं, इसलिए कटुक बचन मत बोल रहे। किसी से कटुवाणी में बात न करो। मंदिर जाते हैं, कितने विनम्र होकर के वहां बैठे हुए भगवान जो मूर्ति है उसकी आप पूजा करते हो, एकदम कोमल मन, कोमल भावना रख करके, जबकि वो सुनती नहीं है, समझती नहीं है, आशीर्वाद नहीं देती वो मूर्ति, वहां बड़े विनम्र। क्या उसी विनम्रता के साथ, कोमलता और प्रेम के साथ माता पिता से, सास ससुर से, पत्नी से, पति से, बेटे से, बहू से बात कर पाते हैं? घर घर में कलह क्यों, विवाद क्यों? उसमें एक प्रमुख कारण है, वाणी का असंयम। जब बोलना तब कटु बोलना, कठोर शब्दों का प्रयोग करना, और पता नहीं क्या क्या सब आप जानते हैं। बाहर व्यवहार उलझा रहेगा, मन कटु बना रहेगा, तो कभी साधना का काम नहीं किया जा सकता, आत्मानुभव कभी हो नहीं सकता। जो कुछ हम संयम, साधना, ध्यान, चिंतन, पूजा पाठ करते हैं, उनका प्रयोग कहाँ होगा? लोगों के बीच, और उनसे हम जब बोलते हैं तो कड़वी वाणी में बोलते हैं, हमारी आदत बिगड़ गई है। प्रत्यक्ष ईश्वर सामने बैठे हुए लोग, आपके घर के सदस्य, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी उम्र में, किसी रिश्ते में हो, प्रयोग वही होगा। हम और आप कितने शांत हैं, कितना हमने अपने तन मन वचन को अपने बस में किया है, इसकी परीक्षा मंदिर में नहीं होगी, घर में होगी, कार्यक्षेत्र में होगी, जिन लोगों के बीच रहते हैं उनके बीच होगी। मंदिर में तो सभी शांत हैं, यहां बैठे हम लोग सभी शांत हैं। अब थोड़ी जब प्रतिकूलता आए, थोड़ा जब नुकसान हो जाए, किसी ने कुछ अनसुहाती बात कह दी, उस समय शांत रह गए, तब हम समझना चाहिए हाँ हम शांत हैं और हम लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छी वाणी में बात करते हैं। आपका घर, आपका परिवार, आपका कार्यक्षेत्र, दुकान, दफ्तर, खेत खलिहान, ये सब परीक्षा स्थल है, इसमें पाप होना है। जितनी क्षमता होगी, सहनशीलता होगी, जितनी विनम्रता होगी, लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार होगा, मीठी वाणी होगी, उतने अधिक नंबर मिलते चले जाएंगे। सदगुरु कहते हैं घट घट में वही साई बसत है, कटुक बचन मत बोल रहे। जिस परमात्मा को, साई को खोज रहे हो बाहर, वो घट घट में विराजमान है। इसलिए किसी से भी परिचित अपरिचित, किसी से भी
कड़वी वाणी में बात ना करें, मीठा हो करके बात करें। कड़वाहट का कारण क्या है? अहंकार। किसका अहंकार? जवानी का अहंकार, रूप का अहंकार, धन का अहंकार, पद का, शासन का, अधिकार का अहंकार। और जिनका अहंकार है वो सब झूठे। इसलिए सदगुरु कहते हैं, धन जौबन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। ये पचरंग चोल पांच रंगों से निर्मित यह काया, ये शरीर झूठा है। अभी है, कुछ देर पश्चात इसको समाप्त हो जाना है। मिट्टी पानी आग हवा आकाश ये पांच तत्व है, या शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच विषय हैं। यही पंचरंग चोल है, इनसे निर्मित इस शरीर। जब शरीर ही झूठा है, आज है कल नहीं रहने वाला है, तो जवानी का क्या अहंकार? शरीर नहीं रहेगा तो जवानी कहाँ रहेगी, सुंदरता कहाँ रहेगी? शरीर ही नहीं रहेगा तो धन कहाँ रहेगा, पद कहाँ रहेगा, अधिकार शासन कहाँ रहेगा? शरीर रहते रहते तक है ना। और शरीर लुढ़क करके कब कहाँ पर गिर जाए पता है? न गिरे न मिटे, बीमारी हो जाए तब, लकवा मार जाए, पैरालिसिस हो जाए तब, अपने ही हाथ से एक गिलास पानी उठा करके पीना कठिन हो जाएगा, एक कदम चलना कठिन हो जाएगा, बिस्तर से उठना कठिन हो जाएगा। देखते होंगे आसपास कितने लोगों को आप, क्या वो दशा हमारी नहीं हो सकती? जिस घर में आप रोप झाड़ते घूमते हैं, पत्नी को, बच्चे को, माता को, पिता को, सबको डांटते हैं, एक दिन ऐसा आ जाएगा उनकी डांट सुननी पड़ेगी। भी तो पड़े रहो, चिल्लाते रहो, कोई सुनेगा नहीं। धन और जवानी का अहंकार महामूर्खता। लेकिन हम इस मूर्खता में जीवन भर पड़े रह जाते हैं। साहब कहते हैं अहंकार मत करो, जो कुछ है सबका आत्मकल्याण और दूसरे की सेवा में प्रयोग करो। उनकी सार्थकता आत्मकल्याण, शरीर का निर्वाह आत्मकल्याण और दूसरों की सेवा करने में है, बाकी तो बस मिट्टी है, किसका करें? सब मिट्टी होना है, आजकल में सब मिट्टी हो जाना है। जवानी शरीर में ताकत है तो निर्वाह का काम करो, सेवा करो, साधना करो। धन ज्यादा है, जो कुछ धन अपने पास है खाओ, खिलाओ, सेवा में लगा दो, बाकी तो छोड़कर जाना है, मिट्टी में मिल जाना। सब मिट्टी तो है ही, मिट्टी में मिल जाना है। वो याद करो, एक ने बहुत बढ़िया कहा है, पैसे के लिए, पैसे का अहंकार बहुत ज्यादा होता है ना, बटोर बटोर कर रखते हैं, एक एक पाई दांत से पकड़ता है आदमी, छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कितना पकड़ लो। मिट्टी होना है, जो खाया खिलाया वो आपका है, किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, लेकिन बढ़िया तो तब होगा जब हमारे भीतर संवेदना हो, एक जागृति हो, हम सीख लें तब। नहीं तो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हम सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, रहते हैं जहां के तहां। आपका पैसा है,
उन्होंने कहा पैसे के उपयोग के लिए, खाया पिया अंग लगे, जो तुम खा पियोगे तुम्हारे शरीर में लगेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, बलवान रहेगा, जो खा पी लो आपका हो गया, जितना आपने खाया पिया उतना आपका है बस, बाकी तो बेकार है। खाया पिया अंग लगे, सेवा किया संग चले, किसी गरीब को खिलाया पिलाया, कहीं और दान किया, कहीं स्कूल बना दिया, विद्यालय चिकित्सालय बना दिया, कुछ कर दिया, मत जो कुछ आपने सेवा में लगाया दूसरों की सेवा में, उसे संस्कार आपके अच्छे बनेंगे, और संस्कार अच्छे बनेंगे वो संस्कार अभी सुख देगा, देंगे आगे सुख देंगे। तो खाया पिया अंग लगे, सेवा किया संग लगे, इन दोनों के बाद जो बचे जंग लगे, और क्या होगा? किसका अहंकार? बड़े बड़े लोग चले गए, सम्राट अशोक, अशोक महान कहा जाता है, जब वे बूढ़े हुए उनका पोता गद्दी पर बैठा, उनका बेटा था कुणाल, वो तो अंधा हो गया था, कर दिया गया था, उस पर नहीं जाऊंगा मैं, उनका पोता बैठा गद्दी पर, उन्होंने अशोक के सारे अधिकार छीन लिए, एक बार कुछ बौद्ध भिक्षु सम्राट अशोक के पास आए कुछ सहयोग मांगने के लिए, क्योंकि उन्होंने जीवन भर दान किया था, बौद्ध विहारों को और ब्राह्मणों को खूब धन दिया था, जमीन दी थी, जागीरें दी थी, तो बौद्ध भिक्षु आए सेवा सहायता मांगने के लिए, उनके पास तो कुछ था नहीं, तब उन्होंने अपने पोता जो गद्दी पर बैठा था राजा था उनके पास संदेश भेजा, तब उनके पोता ने मिट्टी की हंडी का ठिकरा, टूटा हुआ अंश, उसमें एक आंवले का आधा आंवला भेजा, उसको देखकर अशोक ने कहा कल तक जो अशोक पूरे भारत का सम्राट था आज मात्र आधे आंवले का मालिक रह गया है। जीते जी किसका अहंकार? उदशा आपका आने वाली है, किसी की भी आने वाली, हम सब की आने वाली है। सदगुरु कहते हैं धन जवानी पद शासन अधिकार स्वामित्व का अहंकार मत करो, छाड़ो पति छाड़ो लवराई, मन अभिमान टूट तब जाई। ये मलकई का जो अहंकार है, मैं मालिक, मालिक न बनो, गुरुदेव जी सर कहा करते थे मालिक मत बनो, मालिक बनोगे तो चाटे खाना पड़ेगा, सेवक बन कर करो, मालिक बनने में आपत्ति है, सेवक बनने में कौन आपत्ति है? बड़ा बनने में आपत्ति है, बड़ा बनने में क्लेश है, विवाद है, छोटा बनने में कौन विवाद कौन क्लेश? इसलिए विनम्र, सारे अहंकार को छोड़ करके विनम्र होने की आवश्यकता है, विनम्रता ही शांति का पथ है। शून्य महन में दीना बारीले, आशा से मत डोल रे, शून्य महल, वो शून्य महल क्या है? जिस महल में कोई ना रहता हो वो शून्य महल है। तो यहां ऐसा बाहरी महल की बात नहीं है, शून्य महल है,
मोह माया से रहित मन, संसारिक भावनाओं से रहित मन, रागरंग प्रपंच से उठा हुआ मन, जिस मन में संसारिक रागरंग की भावना, कोई वासना, कोई इच्छा कामना नहीं है, वहां संसार खत्म है। इच्छा कामना ही संसार है। ये बाहर का जो संसार है ये हमको नहीं बांधता है। इस संसार के प्रति हमारे मन में जो लोभ हो जाता है, मोह हो जाता है, प्रपंच की भावना आ जाती है, वो संसार बांधता है हमको। उसी को मिटाना है। ये बाहर का संसार तो सब समय बना रहा है, आज है और सब समय बना रहेगा। इस संसार के बने रहने में हमारे कल्याण में कोई विघ्न बाधा नहीं है। विघ्न बाधा है मन का संसार, हमारा अपना बनाया हुआ मान्यता की एक दुनिया, अहंता ममता की दुनिया। अहंता ममता से रहित मन वो शून्य महल है। जब अहंता ममता से मन शून्य हो जाएगा, अहंता ममता से रहित खाली हो जाएगा, साहब कहते हैं वहां विवेक ज्ञान का दिया जला लो, जिससे मन सदैव भीतर अंतःकरण सदैव आलोकित रहे। शाम होती है, अंधेरा होने लगता है, हम तुरंत दिया जला लेते हैं। कभी भीतर अंतःकरण में ज्ञान का दिया जलाना चाहिए, मन में आई है या नहीं है। बाहर कितना भी प्रकाश हो, भीतर अंतःकरण में यदि अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है तो भटकना ही होगा, दुख के गर्त में गिरना पड़ेगा, ठोकर खानी पड़ेगी। इसलिए भीतर ज्ञान का दिया जलाए। घर में दिया जलाते ही हैं रोज, न दिया जलाते आजकल बत्ती आ गई है, बटन दबा देते हो, बत्ती जल गई, पूरा कमरा, पूरा मकान जगमगाने लग गया। मंदिरों में तो दिया जलाते ही हो, घर में तो पूरी बत्ती, घर बने में बिजली की व्यवस्था है, बटन। लेकिन अभी भी बहुत से लोग घर में जो मंदिर बनाए रहते हैं छोटा सा किसी कोने में, वहाँ दिया जलाते हैं सुबह शाम, बल्ब भी जलाते रहते हैं और सुबह शाम दिया भी जलाते हैं, अच्छा है। लेकिन वो दिया जलाने का अर्थ क्या है? मंदिरों में हम दिया जलाते हैं, उसका अर्थ क्या है? क्या मंदिर में बैठे हुए भगवान को दिए की आवश्यकता है? क्या उसको काम धाम करना है कि लिखना पढ़ना है? क्यों वहां दिया जला रहे हैं? वो मंदिर में दिया जलाना एक प्रतीक है, लेकिन हम मूल बात को भूल जाते हैं। उससे जो प्रेरणा लेना है, सीख लेना है, वो बात हम भूल जाते हैं, बस परंपरा का निर्वहन करते चले जाते हैं। देखा देखी वो जलाए, हम भी जला ले जाते, बस देखा देखी। मंदिर में दिया जलाने का अर्थ क्या है? अर्थ है कि जैसे मंदिर में जला रहे हैं दिया, वैसे ही अपने अंतःकरण में ज्ञान भक्ति धर्म का दिया जलाएं। और जिस दिन अंतःकरण में ज्ञान भक्ति धर्म का दिया जल जाएगा, सब दुख खत्म, भटकाव खत्म, कोई क्लेश रहेगा ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य यह है, हम हर जगह दिया जलाने की बात सोचते हैं, करते हैं और दिया जलाते हैं, लेकिन अंतःकरण में आज तक कभी हमने ज्ञान का, भक्ति का, धर्म का दिया नहीं जलाया। हमारे दुखी होने का, भटकने का एक
मात्र कारण यही है। सदगुरु कबीर कहते हैं, शून्य महल में दीना वारी ले, प्रमाद प्रपंच अहंता ममता से रहित मन, शून्य महल वहां परम विश्राम मिलेगा। बाहर का जो शून्य महल है वहां विश्राम नहीं मिलेगा, वहां तो आप उब जाओगे क्योंकि भीड़ में रहने की आदत। कितना सुंदर से सुंदर महल हो, अकेले आपको वहां 10-15 दिन महीना 2 महीना रहना पड़े तो घबरा जाओगे, सोचोगे कोई साथी मिले जिससे बात करें, देखें, उठे बैठे खाए पिए। भव्य से भव्य महल, राजमहल हो, स्वर्ण जटित हो, वहां भी आप नहीं रह पाओगे, वहां आनंद नहीं आएगा। विचारों की भीड़ से रहित, संस्कारों की भीड़ से रहित, कामनाओं की भीड़ से रहित, अंतमताओं की भीड़ से रहित जो शून्य मन है वहां परम विश्राम मिलेगा। जब तक अंतकरण में विचारों की, कामनाओं की, स्मरणों की, अंतमता की भीड़ रहेगी, कहीं चले जाएं, पूरा विश्राम नहीं मिलेगा, बेचैनी बनी की बनी रह जाएगी, दुख बना का बना रह जाएगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जहां हैं वहीं सारा काम धाम करते हुए अहंत ममता से मन को खाली कर दो। राग द्वेष प्रपंच से मन को खाली कर दो, वहीं परम विश्राम है, और तब विवेक ज्ञान का दिया जलेगा, वहां पर पूरा जीवन आलोकित। उस जब विवेक ज्ञान का दिया जलेगा तब वो जो पीव है उसका साक्षात्कार होगा, उसका अनुभव होगा। लेकिन सदगुरु कहते हैं, आशा से मत डोलरे, बाहर से सुख मिलेगा, बाहर से शांति मिलेगी, बाहर से परमात्मा मिलेगा, इस आशा में पढ़ करके भटको मत। आदमी के भटकने के 2 प्रमुख कारण, पहला कारण शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 विषय हैं इनमें सुख है, इनको जितना अधिक अधिक हम ग्रहण करते जाएंगे उतना हम सुखी होते जाएंगे। भटकाव का ये पहला कारण, मतलब दुनिया के भोगों में आनंद है, दुनिया के भोगों में सुख है, दुनिया के भोगों में तृप्ति है, ये भ्रम इस कहना चाहिए, इस आशा इसमें से उसमें, उसमें से उसमें, उसमें से उसमें, एक ना एक आशा लगी रहती है, भटकने का ये कारण। इससे ऊपर भी उड़ गए, दुनियावी भोग वासनाओं का त्याग कर दिए, तब कहीं लोक लोकांतर में परमात्मा है, उससे मुलाकात हो जाएगी, उसका दर्शन हो जाएगा, उसके धाम में चले जाएंगे, ये आशा भटकने का कारण है। कुल मिलाकर कहें तब बाहर से सुख पाने की और परमात्मा पाने की आशा जीव के भटकने के कारण। इसके मूल में है अंतःकरण में अज्ञान का घोर अंधकार छाना। साहब कहते हैं आशा से मरम्मत, किसकी आशा पूरी होती है? काम करो आवश्यकता पूरी होगी, आशा तो केवल भटकाती है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, यथा संसिद्ध कांता साम सुखम सुत्वापि पिंगला। ये भागवत में जहां दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं का वर्णन किया है वहां पर यह प्रसंग आता है। आशा ही परमम दुखम, दुनिया के भोगों से
दुनिया के प्राणी पदार्थों से सुख पाने की आशा रखना यही परम दुख है, महादुख का कारण है। नैराश्यम परम सुखम, नैराश्य हमें कुछ नहीं चाहिए, सारी आशा को छोड़ दो, इसमें सुख चाहिए में दुख है, नहीं चाहिए में कौन दुख, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए और नहीं मिला तब रो फिर, और नहीं चाहिए में कोई दुखी नहीं है, रोने की बात ही नहीं है। तो आशा से मत डोलरे। सद्गुरु कबीर कहते हैं, अहंता ममता राग द्वेष से रहित मन में एक विवेक ज्ञान का दिया जलाओ और बाहरी बाहर बाहर से सुख परमात्मा पाने की आशा में पड़कर भटको मत। सुख का केंद्र तुम्हारे भीतर है, परमात्मा तुम्हारा अपना होना है, अपना स्वरूप ही है, पाना कहाँ है। मन को अंदर मन को सुन्न कर दो, बस मिला मिलाया है। हाँ, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। उसके लिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, जोग जुगत से रंग महल में पी पाए अनमोल रे। योग की युक्ति से रंग महल अंतःकरण हृदय अनमोल पी मिल जाएगा। सद्गुरु कबीर कहीं भी बाहर की बात नहीं कहते, सदैव भीतर की बात कहते हैं। लेकिन योग की युक्ति तो चाहिए। योग युक्ति क्या है? किसी भी काम को जब हम युक्ति पूर्वक करते हैं तो काम जल्दी पूरा होता है, अच्छे ढंग से पूरा होता है, उसमें सफलता मिलती है। युक्ति पूर्वक करोगे तो बड़े बड़े से बड़ा काम भी सरल हो जाएगा, और बिना युक्ति का करोगे तब छोटे से छोटा काम भी कठिन हो जाएगा। सद्गुरु कहते हैं योग की युक्ति। योग क्या है? योग की युक्ति क्या है? बाहर जहां व्यवहार का क्षेत्र है वहां पर समता, सुख में दुख में, अनुकूलता में प्रतिकूलता में, मान में अपमान में, हानि में लाभ में, समता भाव में जीना, विचलित ना होना, लोगों से प्रेम का व्यवहार करो, सेवा करो, लेकिन कहीं विचलित ना होना, ये योग युक्ति। समत्वम ही योग उच्यते, गीता में कहा गया है, समता ही योग कहलाती है। तो हर स्थिति में मन को समता भाव में बना करके रखना, द्वंद्वग्रसित ना होना, बड़े से बड़ा प्रलोभन आ जाए तो भी विचलित मत हो, मृत्यु का भय आ जाए तो भी विचलित मत हो। अपना जो सत्य मार्ग है, सत्य का रास्ता है, उसे विचलित ना होना, ना लोभ में ना पड़ना, ना मोह में पड़ना, ना भय में पड़ना, योग युक्ति है। और परमार्थ में मन को बाहर से समेट लेना। हमारा मन भटकता रहता, हमारे मन की वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां भटकती रहती हैं, जो कुछ आए उसको ग्रहण करती रहती हैं, उनको रोक लेना, योग चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियां जो बाहर भटक रही है, जगह जगह डूबी हुई है, उनको निरोध कर लेना, भीतर समेट लेना, ये योग की युक्ति है। जब बाहर सब समय समता भाव बना रहेगा, मन अंतर्मुख हो जाएगा, चंचलता छोड़ देगा, पी पाए अनमोल रे। जो अनमोल पी, जिसका कोई मूल्य चुकाया नहीं जा सकता, वो अनमोल पी अपना आपा मिल जाएगा। मिला मिलाया है, द्वंद्वग्रसित होने के कारण, अमन चंचलता कारण से उसका अनुभव नहीं होता है।
जितने हम योग की साधना करते जाएंगे, समता शांति और अंतर्मुक्तम जीते जाएंगे, उतना उतना उसका अनुभव होता जाएगा। कहें कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। सदगुर कबीर कहते हैं अब अनहद ढोल बजने लग गया, जीवन में आनंद से परिपूर्ण, यह अनहद ढोल क्या है? सब कुछ विवेक में ढल जाना। अनहद ढोल है अंतरात्मा की आवाज, अनहद ढोल है निष्काम मन, सब निष्काम मन का निष्काम हो जाना। क्या चाहता है मन? सुने अपने अंतरात्मा का आवाज। अंतरात्मा की आवाज सुन करके जो काम करोगे वो गलत नहीं होगा, जो होगा विवेक पूर्वक होगा। अब विवेक पूर्वक जब करेंगे तब आनंद आनंद आनंद, क्लेश की बात ही नहीं है। इस पूरे पद में सदगुरु कबीर कहते हैं भटकना कहीं नहीं है, ना अहंकार करना है, ना लोभ करना है, ना बाहर पाने कुछ आशा रखना है। अविद्या के पर्दे को फाड़ दो, मन को अंतम ममता से शून्य कर दो, बस पी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, जो चाहते हैं वो सब मिल जाएगा। सदगुरु कबीर जित पद में कहते हैं पूरी बात कह देते हैं, समझना है समझ करके कुछ जीना है।